कांकेर जिले के अंतागढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक भोजराज नाग ने अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान देते हुए अधिकारियों का भूत उतारने की बात कह डाली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि अधिकारियों को भी लताड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों का भूत उतारने की बात कह डाली। भोजराज नाग ने अधिकारियों को जनता की सेवा करने की नसीहत भी दी। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मैं विधायक रहता तो आपका भूत उतार क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं और पुजारी भी हूं, मुझे अच्छे से भूत उतारना आता है। चले गए अपर कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, यदि मैं रहता तो आपका भूत उतारता, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं और पुजारी भी हूं, मेरे को अच्छे ढंग से आता है भूत उतारने के लिए। ये अधिकारी कर्मचारी कान खोल के सुन ले कि जनप्रतिनिधि जनता का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो अधिकारी कर्मचारी जनता का सेवा करने के लिए है। यहाँ एसी रूम में बैठ के और कलेक्टर के कुर्सी में बैठ के जनता के टैक्स के पैसे को वेतन लेकर के मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। ये बात को कान खोल के सुन लो आप लोग। आपसे पहले कई बार मैं ऐसे अधिकारियों का भूत उतारा हूं और यहाँ के एक पत्र आया हमारे मंडल अध्यक्ष को कि आप नियम कानून के अनुसार धरना प्रदर्शन घेराव नहीं कर सकते, आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ये नियम है, वो नियम है। नियम हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। नियम क्या कहता है कि आप सक्षम अधिकारी है, आपके कार्यालय में जो भी आदमी आवेदन लेकर के आता है चाहे सही हो या गलत हो, आपको उस आवेदन को अध्ययन करके उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने यहाँ बैठाया है। सरकार इसलिए नहीं बैठाया है कि आप खनिज के पैसे का भ्रष्टाचार करो, यहाँ पे लोगों को लूट बचाओ, दादागिरी करो, गुंडागर्दी करो। दुर्भाग्य है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का, यहाँ का विधायक जो कि टीआई था और टीआई होने के बाद विधायक बना, आज भी उसका व्यवहार टीआई जैसे है। कैसे टीआई? जो अंग्रेज के जमाने में चलता था। अंग्रेज में यही होता था कि जनता को परेशान करना, डंडा मारना, गोली मारना। आज अंग्रेज का शासन चला गया है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार भी क्या अंग्रेजों का अनुसरण करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और खास करके हम बस्तर के आदिवासी कार्यकर्ता शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गा